आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप की अध्यक्षता में उपायुक्त विनोद कुमार के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर रैलियों में कोर्ट की अवमानना करने व प्रधानमंत्री के नाम पर गाली गलौज करने को लेकर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि राहुल गांधी पर उचित कार्यवाही करते हुए उनकी चुनाव जनसभाओं पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए ताकि लोकसभा के चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो। आज सोलन भारतीय जनता पार्टी का एक डेपुटेशन अभी माननीय जिलाधीश से मिला है। हमने उस विज्ञापन में ये डिमांड रखी है भारत के निर्वाचन आयोग से कि जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं, हर रोज जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको जो है इमीडिएटली जो है बंद किया जाए और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये जिस तरह का अनाप शनाप जप रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है। हमारे ईमानदार और देश के लिए समर्पित श्रीमान मोदी जी के लिए जो एक आरोप लगा रहे हैं राफेल मुद्दे को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्द एट्रीब्यूट किए थे उसको रॉन्ग सेंस में लोगों के बीच में जो है भाषण में यूज़ कर रहे हैं और अपनी मान मर्यादाओं को और एक नैतिकता को जो है वो लांग रहे हैं। इस तरह के शब्द जो है हम इसकी घोर निंदा करते हैं जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। आने वाले समय में हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और दे रहे हैं और हमारी रणनीति जो है वो वास्तविक रूप में कार्य रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और हो रही है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।